वीडियो में आपको एक क्लेरिफिकेशन देना चाह रही हूँ। थोड़ा सा बच्चों में डाउट है कि जो आईसीएसई ने नोटिफिकेशन दी थी इन मार्च रिगार्डिंग योर जून अटेम्प्ट एग्जामिनेशन फी एंड प्री टेस्ट एंड ऑल, एंड जो अभी इशू हो चुके हैं एडमिट कार्ड्स उससे रिलेटेड। तो बेसिकली क्या था कि जो आईसीएसई ने नोटिफिकेशन दी थी मार्च में, उसमें लिखा गया था कि अगर आपने अपना प्री टेस्ट नहीं दिया और अपने एग्जामिनेशन फी भर दी है फॉर जून अटेम्प्ट, तो आपके एडमिट कार्ड्स नहीं आएंगे और वो आपकी जो फी होगी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। ठीक है, बट अब हुआ क्या कि इन लोगों ने दोबारा एक तो रिलैक्सेशन दे दी थी 10 मई तक कि आप अपने जो प्री टेस्ट हैं वो आप दे लो और कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो पता नहीं मार्च में इन्होंने क्यों ऐसा लिखा था जो बच्चों को मिसगाइड किया। और उसके बाद अब जब बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उस हिसाब से कि भाई चलो हमारा दिसंबर में अटेम्प्ट हो जाएगा, अब नहीं, अब इन्होंने क्या करा, बीच में नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड की कोई बात नहीं हुई थी और अब इशू हो चुके हैं उन बच्चों को एडमिट कार्ड्स। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है ऑन इंस्टीट्यूट पार्ट। ठीक है, उसने पहले आपको दिया, फिर रिलैक्सेशन दिया, फिर इस तरीके से किया। तो मैं तो यही बोलूँगी कि स्टूडेंट्स जिनका प्लान ऐसे था और अब उन्होंने प्रिपेयर करा था कि हम दिसंबर में देने वाले हैं और फी भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो आप इंस्टीट्यूट से नहीं लड़ सकते हो। अब आप यही करो कि आप ये वाला अटेम्प्ट बिना पढ़े जिस तरीके से भी, क्योंकि फीस जा चुकी है, एक एक्सपीरियंस के लिए उसको दे के आ जाओ और हम इसके कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें तो यही लिखा हुआ है और इंस्टीट्यूट भी सीधा बोल देगा कि हमने तो रिलैक्सेशन दे दी थी। ठीक है, तो बस मुझे यही क्लैरिफिकेशन देनी थी, बिकॉज बहुत बच्चों के